हेलो दोस्तों, मॉर्निंग टेक न्यूज़ में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। मॉर्निंग टेक न्यूज़ में मैं आप सबको वो सारी खबरें बताता हूँ जो कि आज के दिन में होने वाली हैं या फिर जो कल शाम में हुई हैं, वो सारी खबरें जो कि आज टेक वर्ल्ड में नई चीज़ें होने वाली हैं या फिर और भी चीज़ें जो कि आज की डेट में आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं टेक वर्ल्ड से, नए लॉन्चेस, नए अनाउंसमेंट्स जैसी जैसी और भी चीज़ें मैं आपको मॉर्निंग टेक न्यूज़ में बताऊँगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। मैं बताता हूँ आपको कि आज की मॉर्निंग में टेक वर्ल्ड में क्या क्या हुआ है। दोस्तों सबसे पहले तो पोको F1 जो कि Xiaomi का एक फ्लैगशिप फ़ोन है, उसका आर्मर्ड एडिशन इंडिया में लॉन्च हो चुका है 6GB रैम और 128GB स्टोरेज के साथ, और इसकी प्राइसिंग रखी गई है 23,999 रुपये। दोस्तों आपको ये तो ये पता ही होगा कि पोको F1 बजट रेंज में एक फ्लैगशिप की स्पेसिफिकेशंस आपको देता है, के साथ ही आर्मर्ड एडिशन लॉन्च होने के साथ ही ये और भी अट्रैक्टिव हो गया है, और इसमें साथ ही साथ आपको 6GB रैम मिलती है और 128GB की इंटरनल स्टोरेज मिलती है। और इसके अलावा दूसरी खबर की अगर बात करें तो दूसरी खबर भी Xiaomi की तरफ से ही है। Xiaomi Redmi 5 में Android 8.1 Oreo का स्टेबल अपडेट शुरू हो चुका है मिलना, और इस अपडेट के साथ ही आपको इस फोन में डुअल 4G वो LTE की सर्विस भी मिलना शुरू हो जाएगी। तो देखा जाए तो ये काफ़ी अच्छी अपडेट कही जा सकती है Xiaomi Redmi 5 यूज़र्स के लिए। और इसके अलावा Xiaomi Mi A1 में भी Android 9.0 Pie का स्टेबल अपडेट स्टार्ट हो चुका है, और इस अपडेट के साथ आपको Xiaomi Mi A1 में डुअल 4G वो LTE की सर्विस मिलना शुरू हो जाएगी, साथ ही साथ आपको FM रेडियो भी मिलेगा। तो कहा जाए तो ये भी काफ़ी अच्छी अपडेट कही जा सकती है Xiaomi की तरफ से। यही Xiaomi की अच्छी बातें हैं जो ये इसे और स्मार्टफोन से अलग बनाती हैं। समय समय पे ये अच्छे अच्छे अपडेट्स देती रहती है और साथ ही साथ नए फीचर्स भी जोड़ती रहती है जो कि इस समय और नए फोन्स में आ रहे हैं, नए स्मार्टफोन्स में। और इसके अलावा अगर बात की जाए आज कौन से स्मार्टफोन्स लॉन्च होने वाले हैं, तो आज ऑनर का V20 लॉन्च होगा। आज की डेट में तो ये स्मार्टफोन सिर्फ चाइना में ही लॉन्च होगा, लेकिन आगे चलकर कुछ दिनों में ये ग्लोबली भी लॉन्च होगा पूरी तरह से, यानी कि ये इंडिया में भी लॉन्च होगा, और इसका इंडिया और बाकी के और देशों में इसका नाम रखा जाएगा Honor V20, जो कि चाइना में सिर्फ रखा गया है Honor V20। और अगर आपको इस स्मार्टफोन के स्पेसिफिकेशंस जानने हो और इसकी प्राइसिंग जाननी हो, तो लॉन्च होने के बाद मैं इसके बारे में वीडियो ज़रूर बनाऊंगा और आप वो वीडियो ज़रूर देखिएगा। और इसके बाद नंबर आता है फ्लिपकार्ट की मोबाइल बोनेंजा सेल का। जी हाँ दोस्तों, 26 दिसंबर यानी कि आज की डेट से लेकर 29 दिसंबर तक आपको फ्लिपकार्ट पर कई स्मार्टफोन्स पे अच्छे अच्छे ऑफर्स देखने को मिल सकते हैं जो कि 3 दिनों तक चलेंगे। और इसके अलावा आपके पास अगर SBI का क्रेडिट कार्ड है तो आपको किसी भी प्रोडक्ट पे 10% की छूट मिलेगी। देखा जाए तो इस साल का ये आखिरी मौका है आपके पास नया स्मार्टफोन अपग्रेड करने के लिए, और मैंने ये सेल चेक की है, काफ़ी अच्छे अच्छे ऑफर्स इसमें आए हैं। बजट रेंज से लेकर फ्लैगशिप फोन्स तक आपको हर रेंज में अच्छे अच्छे ऑफर्स देखने को मिल जाएंगे। आप खरीदना चाह रहे हैं नया स्मार्टफोन तो यही अच्छा मौका है, 3 दिनों के अंदर आप अपना नया स्मार्टफोन खरीद सकते हैं अच्छे से अच्छे कम से कम प्राइस में। तो दोस्तों मॉर्निंग टेक न्यूज़ में बस इतना ही। टेक वर्ल्ड की खबरें और भी जानने के लिए हमारा चैनल गैजेट एंड टेक्नोलॉजी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और दोस्तों वीडियो को शेयर कर दीजिएगा ज़रूर से, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इन नई जानकारी के बारे में पता चल सके। और दोस्तों हमारे चैनल गैजेट एंड टेक्नोलॉजी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा,